हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट को ब्रांडेड पेपर व्यू के बारे में, जहां पर हमें टीम रॉ वर्सेस टीम स्मैकडाउन लाइव के बीच बड़े तगड़े और इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। यानी कि इस वीडियो में बात करेंगे हम WWE के सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू के बारे में, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में जो कि हमें दिखाई देने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में। यानी कि ये वीडियो होने वाली है माय रिजल्ट्स प्रेडिक्शंस फॉर सर्वाइवर सीरीज 2018। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं जो कि हमें दिखाई देने वाला है स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन यानी कि द बार एंड बिग शो वर्सेस दी ऑथर ऑफ पेंस यानी कि जो कि है रॉ के टैग टीम चैंपियन। गेम में देखने मिला किस तरह से ऑथर ऑफ पेंस ने काफ़ी डोमिनेट तरीके से इस रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप को कैप्चर कर लिया। इसके अलावा बिग शो की मदद के कारण भी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप द बार के पास आ चुकी है, और रॉ वर्सेज स्मैकडाउन के बीच मैच हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने मिलेगा। लेकिन बात कर ले इस मैच के विनर के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रॉ के टैग टीम चैंपियन ऑथर ऑफ पेंस इस मैच में जीत हासिल करने, क्योंकि WWE ने काफी टाइम के बाद पुश देना शुरू किया यहां पर AOP को, तो इसलिए मैं इस मैच में विनर पिक करने वाला हूं ऑथर ऑफ पेंस को। इसके बाद हमें किकआउट शो का एक मैच देखने मिलने वाला जो कि होने वाला 5-on-5 टैग टीम ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच, जहां पर रॉ की तरफ से हमें बॉबी रूडी एंड चैड गेबल एज ए टीम कैप्टन दिखाई देने वाले हैं। साथ में हमें स्मैकडाउन लाइव की तरफ से टीम कैप्टन दिखाई देने वाले हैं दी यूसोस। तो और बात करें इस मैच के विनर के बारे में, तो दोनों टीम्स की तरफ से देखें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो स्मैकडाउन लाइव की टीम में पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, यानी कि रॉ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर हमें उसोस देखने को मिल रहे हैं, न्यू डे देखने को मिल रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छी टैग टीम है। इसलिए मैं इस बड़े मैच में विनर पिक करने वाला हूँ स्मैकडाउन की टैग टीम को, और हमें स्मैकडाउन इस टैग टीम बैटल में जीतती हुई नजर आने वाली है। जिसके बाद हमें क्रूजरवेट चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है बड़ी मफी वर्सेज मुस्तफ़ा अली के बीच। हमें जब भी इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच देखने को मिलता है, मैच काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जाता है, फिलहाल 205 लाइव में आता है तब भी। लेकिन बात कर ले इस मैच के विनर के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस मैच में WWE स्टिल हमें क्रूसवेट चैंपियन दिखाने वाली है बड़ी मर्फी को, और आने वाले टाइम में मुस्तफा अली के साथ उनका फ्यूड हमें कंटिन्यू रहता हुआ नजर आने वाला है। जिसके बाद हमें वुमेन्स के बीच भी एक 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर हमें रॉक की तरफ से काफी सुपरस्टार देखने मिलेंगे और स्मैकडाउन की तरफ से भी। लेकिन बात कर ले इस मैच के विनर के बारे में, यानी कि कौन सी टीम जीतेगी वुमेन्स की तरफ से, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस मैच में हमें जीत दिखाई दे सकती है वुमेन्स की टीम की चुकी है मंडे नाइट रॉक की तरफ से, क्योंकि यहां पर हमें अलेक्सा ब्लिस ने काफी तगड़ी टीम चुनती हुई नजर आई है। इसके अलावा बात के लिए अगले मैच के बारे में जो कि हमें दिखाई देने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेथ रॉलिंस वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शिंसुके नाकामुरा की भी। तो हम सभी जानते हैं कि इस तरह से सेथ रॉलिंस अभी फिलहाल डीन एम्ब्रोस पर फोकस कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शिंसुके नाकामुरा पर नहीं। और अगर इस मैच में कहीं ना कहीं डीन एम्ब्रोस के इंटरफेरेंस होते वैसे शिंसुके नाकामुरा, तब इस मैच में जरूर जीत जाएंगे। लेकिन स्टिल इस मैच में मैं विनर पिक करने वाला हूं अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। अगले मैच की बात कर लेते जो कि होने वाला है रॉ की वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी वर्सेज स्मैकडाउन लाइव सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर के बीच। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने रिसेंटली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड की एक वीडियो बनाई है, जहां पर WWE ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि शार्लेट फ्लेयर रिप्लेस करने वाली है बेकी लेंच को। इसलिए अब बेकी लेंच फेस करने वाले हैं रोंडा राउजी का सर्वाइवर सीरीज 2018 में, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस मैच में हमें रॉ की वुमेन्स चैंपियन रोंडा राउजी को जो पल रहा है वो भारी देखने के लिए मिलने वाला है, और वो शार्लेट फ्लेयर को एक ब्रूटल मैच में हमें हराती हुई नजर आने वाली है। जिसके बाद हमें मेंस का 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच देखने को मिलने वाला, जहां पर रॉ और स्मैकडाउन की तरफ से दोनों ही टीम काफी ज्यादा बेहतरीन, क्योंकि रॉ की बात कर ले यहां पर हमें दिखाई देंगे मॉन्स्टर मैन द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन, रॉ कांस्टेबल बैरन कॉर्बन एज अ टीम कैप्टन, फिन बैलर, डॉल्फ ज़िगलर, बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकइंटायर। स्मैकडाउन लाइव की बात करें तो वहां पर दिखाई देने वाले 619 रे मिस्टीरियो, द एनलिस्टर मेज, शेन मैकमैन, जेफ हार्डी एंड द डिस्ट्रॉयर सामोआ। जो तो इस मैच के विनर की बात कर ले तो एलिमिनेशन मेरे ख्याल से यहां पर हमें देखने के लिए मिल सकती है स्मैकडाउन लाइव की तरफ से नहीं, बल्कि ज्यादा एलिमिनेशन देखने को मिलेंगे मंडे नाइट रॉ की तरफ से, यानी कि वो लगातार स्मैकडाउन लाइव के सुपरस्टार को एलिमिनेट ही करते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रॉन स्ट्रोमन को जीतना है इस मैच को, जिसके बाद उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप का एक और मैच देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है पॉसिबली कहीं ना कहीं स्मैकडाउन लाइव के एंड सुपरस्टार जो बच सकते हैं उनमें शामिल होंगे रे मिस्टीरियो, शेन मैकमैन और साथ में दी एनलिस्टर मेज, और यहीं पर ब्रॉन स्ट्रोमन जीत हासिल करेंगे अपनी टीम की तरफ से। फाइनली मेन इवेंट की बात कर लेते जो कि होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर वर्सेस
WWE चैंपियन दी एस मोमेंट डैनियल ब्रायन के बीच, क्योंकि हमें देखने मिला किस तरह से आज की स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में हरा दिया फाइनली डैनियल ब्रायन ने एज स्टार को एक लो ब्लो देने के बाद, जिसके बाद WWE ने एक ड्रीम मैच कंफर्म कर दिया जो कि होने वाला ब्रॉक लेसनर वर्सेज डैनियल ब्रायन के बीच सर्वाइवर सीरीज 2018 में। लेकिन इस मैच के विनर की बात कर लें तो कहीं ना कहीं इस मैच में इजिली विनर पिक कर सकता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल डैनियल ब्रायन के पास इतना मोमेंटम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो हरा दे ब्रॉक लेसनर को। अभी हाँ, फिर अभी फिलहाल यहाँ पर अगर मुझे एजे स्टार होता तो मैं स्टिल एजे स्टार को विनर पिक करता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब डैनियल ब्रायन ने रिप्लेस कर दिया एजे स्टार को, इसलिए मैं इस मैच में अपना विनर पिक करने वाला हूँ यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर को। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं और अपने प्रेडिक्शंस भी आप कमेंट करके बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलते रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।